गाइस स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको प्रॉपर तरीके से? हाँ यस ये जो भी टाइप करो वो आ रहा है ना, मतलब जो लिख रहा हूं मैं? यस सर चलिए लास्ट लेक्चर बताइए बेटा, कहाँ तक किया था हमने? व्हाट वाज द लास्ट पार्ट? सर एनजीबी का एक क्वेश्चन क्या था? वो सॉल्व हो गया था, पूरा कर लिया था हमने। यस सर अभी इसमें मेरे ख्याल से एनजीपी हमने पूरा फिनिश कर लिया ना। ओके वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। देन हमें अब स्टार्ट करना है सीधे सीधे एलिमिनेशन। लिखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल कॉमा नन ऑफ विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप नन ऑफ विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन ये हमने पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम्स ग्रुप्स टू बी एलिमिनेटेड we categorize elimination reactions into three। जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है वो है ये वाला बीच वाला जिसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन वी ऑल्सो कॉल दिस एज 1.2 एलिमिनेशन, ठीक है। हमको यही पढ़ना है एक्चुअली, बाकी तो केवल क्लासिफिकेशन पर्पस से लिख लेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर ये बीटा एलिमिनेशन है तो जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन। इसमें 1.2 था, उसमें 1.1 होगा। एंड लास्ट में इधर लिख देंगे गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन को बोलेंगे 1.3 एलिमिनेशन, ठीक है। मेनली हमको बीटा पढ़ना है, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं। जैसे इसमें 1.1 का मतलब होगा कि एक ही कार्बन से दो ग्रुप्स निकालने एलिमिनेट करने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका कार्बीन जैसा कुछ बनता है, ऐसा। ये अल्फा एलिमिनेशन हो गया। मतलब टू ग्रुप्स और एटम्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। जबकि बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? एडजेसेंट कार्बन एटम्स।
Like if I write here I attach A, here I attach B, तो एक A इधर से निकाला, इधर से B निकाला और आपको ये मिल गया, ठीक है। Of course इसमें double bond या triple bond मिलेगा, जिसको बोलते हैं multiple bond formation। तो ये हो गया आपका beta elimination। Gamma elimination में क्या होगा कि gamma elimination बोलते हैं, मतलब 1-4 भी हो सकता है, तो सारे को हम इसी में रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, ए यहाँ पर लगा हुआ है, फिर एक कार्बन गैप दिया और फिर बी लगा, तो हर बार क्या होता है कि जिन एटम्स के साथ, जिन कार्बन एटम से आप ग्रुप एलिमिनेट कराते हो उनको ही आपस में कनेक्ट करना है। तो बेसिकली आप कौन कौन से कार्बन एटम्स को कनेक्ट कर दोगे, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट पोजिशन और थर्ड पोजिशन। तो अगर ठीक से देखोगे तो रिंग बन जाएगा, कितने मेंबर की रिंग बनेगी बेटा, 3 मेंबर। तो ये गामा एलिमिनेशन, पहले आप क्लासिफिकेशन लिख लो, मेनली हमको बीटा डिस्कशन करना है, तो विल स्टार्ट विद बीटा ओनली। Copied? Yes, sir. Sir, sir, एक doubt. Hello, sir. Yes, brother. Speak up. Sir, ये जो gamma elimination है, one first carbon, third carbon, उसमें IUPAC naming होगी, मतलब numbering? ना ना, IUPAC से मतलब नहीं है। जिन दो ग्रुप्स को एलिमिनेट करना है उसमें से एक फर्स्ट हो जाएगा तो दूसरा किस पोजीशन पे आएगा? अच्छा थर्ड। यस समझा। अब जैसे ये 1.1 बोला तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से ये फर्स्ट कार्बन है।
हमने तो वन इसलिए दिया है बिकॉज द टू ग्रुप्स विच वी हैव टू एलिमिनेट बोथ द ग्रुप्स आर कनेक्टेड विद द सेम कार्बन. यस सर. Now you write beta elimination ke do popular examples. Although there are so many examples apne syllabus mein, lekin do chapters hain unke basis pe hum log study karte hain. Jaise ek chapter hai alcohol, to uska popular example hai dehydration of alcohol. Aur dusra hai alkyl halide, to uska popular example hai dehydrohalogenation. Theek hai, to hum log yahi likhenge. देखिए नाम से पता चलता है डिहाइड्रेशन का मतलब ही वाटर रिमूवल हो गया है ना. तो अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया बीटा का मतलब यहाँ पर आप ये भी सोच लो कि ओएच तो एलिमिनेट होना ही है, दैट इज द मेन ग्रुप. उसकी कार्बन को अल्फा कहते हैं, नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको बीटा कहते हैं. सो व्हाट बेसिकली यू आर रिमूविंग वन ओएच एंड वन बीटा एच. One OH and one beta H. These are eliminated, right? So, अब इसमें dehydration के लिए we need a dehydrating agent. H2SO4 is a very good popular dehydrating agent. ये बन जाएगा CH3, CH double bond CH. ठीक है, प्लस H2O लिख दो. सेम मैनर में इसी तरह से हम लिखेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन किसका होगा? एल्काइल हैलाइड का होगा. एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते. इसमें एक्चुअली एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है. नॉर्मली हम लोग यहाँ पर बेस लिखते हैं और एक पॉपुलर बेस है एल्कोहल में KOH, which we call as alcoholic KOH. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, एक सीएल हटाओगे उसका अल्फा कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन इज बीटा, सो वन बीटा एच. तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन सीएल एंड वन बीटा एच, दीज टू आर एलिमिनेट. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और H और Cl बाहर गए लेकिन बेस प्रेजेंट है, तो फिर वो सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि KCl लिख दोगे और H2. कॉपी दिस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क. हां, डन सर.
देखिए इसमें ये नोट करके लिख लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, most of the time dehydration of alcohol follows even mechanism. देखो एक चीज आप ये माइंड में रख लो कि भाई जो जैसे हमने SN1 SN2 पढ़ा था वैसे ही यहाँ E1 E2 mechanisms होते हैं. E1 का पूरा नाम क्या होगा? Elimination, first order, है ना? और E2 का क्या नाम होगा? Elimination, second order, है ना? जैसे वहां पर rate का expression था E1 E2 का, exactly same मैंने यहाँ पर भी आएगा. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे rate is equal to constant. और E1 है तो केवल किस पे, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे. और E2 अगर मैकेनिज्म है तो रेट एक्सप्रेशन में आप सबस्ट्रेट भी लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएजेंट भी लिखोगे. ठीक है, तो ये आप एक तो कॉपी कर लो, है ना? ये तो जनरल मैनर में मैंने E1 E2 का रेट एक्सप्रेशन एंड जो उसका मीनिंग है वो बता दिया. बट हमने डिहाइड्रेशन के लिए लिखा हुआ है कि मोस्टली इट फॉलोज E1 मैकेनिज्म. एक्चुअली में क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं तो डिहाइड्रेशन E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और खाली प्राइमरी के लिए वो जाता है E2 में. बट वो फिर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने मोस्टली लिखा दिया है. आंसर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा E1 करोगे तो भी चलेगा. Done, sir. अब आप इसमें E1 मैकेनिज्म लिखते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए. Consider this example. एसओ सपोज लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड और एल्कीन बनाना. देखो प्रोडक्ट अपने को मालूम है, वी आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन स्टेप्स नहीं मालूम है, मैकेनिज्म नहीं मालूम. तो उसमें बोला जाता है कि देखिए ऐसा है कि स्टेप वन में क्या होगा, H2SO4 कौन है? H2SO4 says I am a proton donor. तो proton donor मतलब proton H+ के फॉर्म में देगा, जो बच गया वो HSO4 माइनस है, किसको देगा? तो ऐसा बोला गया कि जो एल्कोहल है ना उसके ऑक्सीजन पे लोन पे है, राइट? सो H2SO4 विल गिव इट्स प्रोटोन टू दिस ऑक्सीजन, तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया, जिसको आप ऑक्सोनियम आयन के वे में लिखोगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया, राइट? अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि आई एम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई के नॉट होल्ड प्लस. तो अगर प्लस होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसमें से ये जो H2O के फॉर्म में है बाहर निकल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन. मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? अब कार्बोकेटायन आपको मिल गया
कार्बोकेटायन मिल गया, स्टेप थ्री लिख दो। स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप थ्री में यहां पर सी एस थ्री है, यहां पर सी एस थ्री है, ये प्लस है। दिस हाइड्रोजन इज बीटा हाइड्रोजन, राइट, रिलेटिव टू ओ एच। सो इफ यू हैव अ बेस, इफ यू हैव अ बेस, बेस कहां पर प्रेजेंट है, यू कैन सी एच एस ओ फोर माइनस इज देयर, यू कैन सी एच टू ओ विल बी देयर, यू कैन सी इवन एल्कोहल मॉलिक्यूल थर्ड स्टेप में, वो कॉपी कर लेना, आई विल गिव यू वन नोट। तो दैट बेस विल एब्स्ट्रैक्ट एच और फिर सीधे सीधे वहां डबल बॉन्ड बना दो और एच उसको दे दो। मान लीजिए एच एस ओ फोर माइनस ये बेस आया तो एच टू ओ फोर कैटलिस्ट था, बाहर हो जाएगा, सिंपल कॉपी कर लो। हेलो सर। यस बेटा, सर कैन यू एक्सप्लेन स्टेप थ्री? स्टेज थ्री में मैंने बोला, इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, समझ लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। स्टेज थ्री के लिए क्या करना है आपको, इसको ऐसा एच एक्स सेपरेट कर लो। तो होता क्या है कि जब कोई बेस प्रेजेंट होता है ना सिस्टम में, तो बेस इस एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस एच प्लस को लेके जाएगा, तो उसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो इस कार्बन को मिल जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये एच बी के साथ चला जाएगा, देखो वही तो किया है। इज इट क्लियर होटा? यस सर।
डन सर। इसमें इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, इन दी दो नोट इसमें बोलूंगा मैं आपको, लिखिएगा इन दी अबव मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, इन दी अबव मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट so the rate of reaction is decided by so the rate of the reaction is decided by rate of the reaction is decided by stability of carbocation, stability of carbocation. More stable carbocation implies more rate of dehydration. ठीक है, और यहाँ पर एक ये लिख देना दिस इज स्लो स्टेप, जहां पर भी कार्बोकेटायन बना रहे हैं ना उसको लिख देना स्लो, क्योंकि वो रेट जमाली स्टेप है। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट नोट, सिंस कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, सिंस कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट इट मे अंडरगो रीअरेंजमेंट, इट मे अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गेन स्टेबिलिटी, इट मे अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गेन स्टेबिलिटी, it may undergo rearrangement to gain stability. It may undergo rearrangement to gain stability. ठीक है, और फिर लिखिएगा in the third step, a base is required to eliminate H plus beta H. A base is required to eliminate beta H. A base is required to eliminate beta H. That base can be HSO4 minus, water molecule, or even another molecule of alcohol, सबने लिख लिया बेटा, कुछ छूटा तो नहीं किसी से? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप आंसर निकालिए, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं।
ट्राई टू फाइंड योर आंसर. मेजर प्रोडक्ट बताइए. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. फ्यू ऑफ यू हैव शेयर्ड योर आंसर इन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं. वेरी गुड बेटा. डिस्कस कर ले. यस सर. देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है. देखिए कोई भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो एक तो अपने आप को सिंपल तरीके से उसको डील करना है ना. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो फंस जाओगे. तो हम लोग सिंपल तरीके से क्या सोचेंगे, ज्यादा दिमाग लगाए बगैर सीधे ओए छटा दो और आप लिख दो उसको, बोलो फर्स्ट कार्बोकैटायन. जिन्हें आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना एक सिंपल सा टेक्निक आप याद रखें, दिस इज फर्स्ट कार्बोकैटायन.
Why am I writing first carbocation? Because carbocation rearrange होता है. अब ये secondary carbocation है, अगर मैं इसको left hand side से एक methyl group दे दूं, तो ये इधर plus भेज देगा और वो वाला plus tertiary हो जाएगा. तो and that tertiary is more stable. That means ये जो rearrangement हमने यहाँ पर बोला वो होगा. इसको बोलेंगे 1.2 methyl shift. 1.2 मिथाइल शिफ्ट. ये आपका इस तरह से रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट, सॉरी इंटरमीडिएट आ गया. क्या फर्दर रीअरेंजमेंट होगा? तो हम लिखेंगे नहीं. व्हाई? नो फर्दर रीअरेंजमेंट. सो दिस इज मोस्ट स्टेबल. हाँ भाई, कहीं ये नहीं सोचना है किसी को कि भाई एक ही बार रीअरेंजमेंट होना है. नो फर्दर रीअरेंजमेंट का ये मतलब नहीं है कि बिकॉज एक ही बार रीअरेंजमेंट होता है इसलिए अब नहीं होगा ना. ये मोस्ट स्टेबल पॉसिबल है. मोस्ट स्टेबल पॉसिबल कार्बोकेटायन. आप ऐसे सोचो तो आपको परफेक्शन मिलेगा. फिर ये जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, तो अब आप इसमें चेक करिए कि कितने बीटा एच हैं और वो डिफरेंट हैं क्या. तो आप ये मान लो कि जहां पर प्लस है वही आपका OH था वहीं पर, तो इसके बगल वाले सारे हमारे बीटा हो जाएंगे. ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में दो जगह ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बीटा एच, और एक डिफरेंट है. दैट मींस यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल वालों से एक, और एक जो बीच वाला जो है लाइक दिस. ठीक है, सो टू प्रोडक्ट्स. अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो आप चेक करो कि कौन ज्यादा स्टेबल है. तो इन इसमें देखोगे तो आपको जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो आपको 12 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई देंगे, 3-3-3-3 है ना. जबकि इसमें देखो आप कितना दिखाई देगा, 3-1-4 हाइपर कॉन्जुगेशन. तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ये नीचे वाला. इसको हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, और इस को हम लोग एक और नाम देते हैं प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली नाम देते हैं इसको, बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट. सेडजेफ प्रोडक्ट. और ये जो प्रोडक्ट मिला ना इधर वाला, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में नाम के साथ पूछा जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट. ठीक है, आप इसको चाहिए तो और बेटर वे में यहां लिख दो कि जो जो इसको ओरिएंटेशन नाम दे सकते हो, कि दो तरफ अगर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है तो एक को हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट का डेफिनेशन है मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जिस भी डबल बॉन्ड के आजू बाजू ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे हों, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो, दैट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब सेट्स ऑफ प्रोडक्ट. हॉफमैन क्या होगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड, या लीस्ट बोल सकते हो. और मोस्टली कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? सेट्स ऑफ वाला. कब कब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा वो डिस्कशन का पार्ट है. और अगर ना मालूम हो तो आप हमेशा किसको लगा देना? सेडजेफ प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बता देना, तो मोस्टली आपका आंसर सही हो जाएगा. तो इसका मतलब ये वाला जो सेडजेफ प्रोडक्ट है ये यहाँ मेजर है, वो क्लियरली पता चल रहा है. कॉपी कर लो बेटा सब लोग इसको.
सर बोलो ना सर, वो हॉफमैन प्रोडक्ट है क्या, और दूसरा कौन सा है, नाम क्या उसका? हॉफमैन सेडजेफ, SAYTZEFF. और सर ये ये दोनों प्रोडक्ट कब लिखेंगे हम लोग, मतलब नाम जब दो प्रोडक्ट मिलेंगे? नाम लिख लें, वो तो क्वेश्चन किस फ्रेम में पूछा गया है आपसे, वो पूछ ऐसा पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स सेडजफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो तुमको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो क्वेश्चन का स्टाइल ही ऐसा है पूछने का कि तुमको पहले पता करना पड़ेगा कि भाई सेडजेफ ये है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, जहां नहीं पूछ रहा है मेजर पूछ रहा है आप सीधे सीधे आंसर, वहां सेडजेफ और हॉफमैन ये तो नॉलेज एक्स्ट्रा है आपके पास. ओके सर, ठीक है, शुड आई रिमूव दिस? ये भी लिख लिया बेटा सबने? और वेट सर, डन सर, डन सर। ये क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, आप केवल मेजर प्रोडक्ट दो, बाकी एनालिसिस मैं डिस्कशन के टाइम पे बताऊंगा, फिर आप लोग लिखिएगा, आप लोग इधर उधर के उसमें मत पड़ जाना, आप केवल मेजर प्रोडक्ट मेरे को बताओ.
वेरी गुड बेटा, सबने ट्राई कर लिया बेटा? रीअरेंजमेंट सोचो, मैं आपको हिंट देता हूं, राइट फर्स्ट कार्बोकैटायन, फिर क्या है उसके बाद रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है कि अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल रिंग एक्सपेंशन, थिंक अबाउट रिंग एक्सपेंशन पार्ट, हो सकता है तुम्हारा परफेक्ट आंसर आ। वेरी गुड बेटा, कुछ लोगों ने आंसर भेजा, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए डिस्कस कर लेते हैं मैडम। देखिए आई होप सबने ये सोच लिया होगा, सबसे पहले तो कार्बोकैटायन, परहैप्स पहला कार्बोकैटायन सबने ये सोचा। फिर आप देखो इसमें एच भी है, नहीं सर एच नहीं है, मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो और ये ग्रुप शिफ्ट कर सकते हो, तो आप किसको प्रिफर करोगे? रिंग एक्सपेंशन को। फिर मैंने बोला था डिजाइन मत बदलना, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे। कैसी डिजाइन? मतलब आप इस तरह ले जाओ, 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 यहाँ पर एक मिथाइल लगा है। अब ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ करके किसको दे देना है बेटा? इसको, तो इसकी तो न्यूट्रल हो गई, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन किससे तोड़ा तुमने? यहां से, तो ये प्लस मिलेगा। अब इसको सुंदर सा बना लो और यहाँ प्लस लिख लो, क्या कोई फर्दर रीअरेंजमेंट होगा? तो आंसर है नो फर्दर रीअरेंजमेंट, बिकॉज ये बेस्ट मिल गया आपको। आप ये ऑलरेडी टर्शरी भी है, कहीं और शिफ्ट करके टर्शरी भी नहीं करना है, सो हम लिखेंगे नो फर्दर रीअरेंजमेंट। फिर इसके बाद क्या कर देना है आपको? सीधे जो है सर, इस पे हमको डिहाइड्रेशन करना है ना, तो आप इसमें देखना है बीटा एच कहाँ कहाँ है। तो इस यहाँ पर मान लो ओ एच लगा है, तो ये बीटा हो गया, यहाँ सी एच थ्री का बीटा हो गया और यहाँ सी एच पे बीटा हो गया, ये CH2 है। तो यहाँ पर एक्चुअली में थ्री डिफरेंट बीटा एच दिखाई देंगे, थ्री डिफरेंट बीटा एच। तो दीज थ्री डिफरेंट बीटा एच विल गिव यू थ्री प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड यहाँ बीच में लगा दो। एक प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ऐसा। मतलब ये वाला बीटा एच जब निकालो, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें मिल रहा है? ये मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये मेजर। ठीक है, आप लिख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क।
सर बोलो सर, इसमें नेमिंग नहीं होगा ना? नेमिंग मतलब वो हॉफमैन। हाँ तो अगर जैसे मान लीजिए कि तुमको एक्चुअली वो दो जब भी मिलते हैं ना उसमें हम लोग इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी जो मोस्ट स्टेबल है वो तो ऐसे समझ में आ रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें ज्यादा, अगर लिखना भी हो तो सेट जब उसको लिख सकते हो आप, लेकिन जो ओरिएंटेशन वाला कल्चर है वो एक्चुअली जब दो में क्लासीफाई करते हो उसके लिए है। ठीक है ओके सर, ये हो गया। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आप रेट पे लिख के उसका आंसर बताइए। फटाफट इसका ऑर्डर बताइए बेटा। यू कैन राइट आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड बेटा, लगभग सबने सही आंसर दिया। तो सोल्यूशन इसका क्या है? राइट कार्बोकेटायन एंड चेक स्टेबिलिटी। राइट कार्बोकेटायन एंड चेक स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल मोर रेट। तो इसमें क्लियर कट पता चल रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन यहां पर होगा, थर्ड फिर वन फिर टू, और प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है वो लास्ट में आएगा।
सब लोग लिख लो इसको, जिन्हें आया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया वो भी लिख लें। सर बोलो बेटा। सर अगर स्टेबिलिटी में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो पहले रीअरेंजमेंट करने के बाद चेक करने का? नहीं नहीं, पहला कार्गो बेटा है, पहला कार्गो। आप कितने भी एडवांस्ड एग्जाम के लिए अच्छे बच्चे हो, लेकिन जब तक पहला स्टेज क्वालिफाई नहीं हुआ तब तक आप आईआईटी में नहीं जाओ, यानी मेन एग्जाम आपको पहले देना है, वही सिचुएशन। रीअरेंजमेंट के बाद कितना भी अच्छा मिल रहा हो कार्बोकैटायन, लेकिन पहला कार्बोकैटायन क्या आंसर बताता है? ओके सर। शुड आई रिमूव दिस बेटा? यस सर। एक नॉर्मल सा आप ऐसा बना लो, री एनर्जी और यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस, ये टर्शियरी एल्कोहल, यहीं पर अगर मैं उसी लेवल से स्टार्ट करूं तो ये सेकेंडरी एल्कोहल, उसी लेवल से स्टार्ट करूं तो ये प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है कि सबसे आसान रेट किसके लिए होगा, मतलब सबसे ज्यादा रेट किसके लिए होगा? टर्शियरी एल्कोहल। ये ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लो बेटा। किसका डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? प्राइमरी एल्कोहल। यस सर, वो नीचे क्या लिखा है, रिएक्शन सर? सर वो नीचे एक्स एक्सिस में क्या लिखा है आपने, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। थैंक यू सर। सर वो टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी सब एक ही लेवल पे? स्टार्टिंग एल्कोहल तो उसी एनर्जी लेवल पे रखा है ना, तभी तो डिफरेंस पता चल पाएगा। इसमें एक छोटा सा, सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रेशन इज डिफिकल्ट, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रेशन इज डिफिकल्ट, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रेशन इज डिफिकल्ट, सो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। So it requires high temperature. जैसे H2SO4 के साथ अगर ले रहे हो तो 170 डिग्री सेल्सियस, H3PO4 के साथ है तो 250 डिग्री सेल्सियस, Al2O3 के साथ है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 350 डिग्री सेल्सियस, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ये एल्कीन। यू कैन क्लियरली सी प्राइमरी एल्कोहल है, इसलिए टेम्परेचर आपको वहां पर मेंशन करना पड़ रहा है, और क्या रेंज होनी चाहिए टेम्परेचर की, क्या उसका अब भी वैल्यू लिखा हो।
डन सर। इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी बेटा कि जैसे ये अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल, अगर इसमें ये रिएक्शन फ्यूचर में भी हम डिस्कस करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस पे ये ईथर बनाता है इस टाइप का, यहाँ CH3 CH2 O CH2 CH3, इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और बीच से H2O निकलता है। तो ये आप नोट कर लेना, 170 डिग्री सेल्सियस होता तो एल्कीन और 140 डिग्री सेल्सियस होगा तो ईथर बनेगा। इसका मैकेनिज्म हम लोग ऐसे बाद में करेंगे, इसको आप नोट करके रखिएगा और इसमें पहले इसको कॉपी कर लो, एक Al2O3 वाला पॉइंट भी लिखाना है। कॉपी कर लिया? यस सर। एक ये वाला पॉइंट भी आप लिख के लेना। देखो यहाँ ओरिएंटेशन का आपको आइडिया लगेगा कि अगर तुमने राइट साइड से निकाला तो सेटजर्स प्रोडक्ट मिलेगा और लेफ्ट साइड से निकाला तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे बेटा? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। नॉर्मली मोस्टली जो होगा, मोस्टली जो डिहाइड्रेशन होता है वो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है और उसमें सेटजेस प्रोडक्ट बनता है मोस्टली, है ना। लेकिन ये जो Al2O3 है इसमें वेपर फेज में हम लेकर जाते हैं अल्कोहल को और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर भी नो रीअरेंजमेंट। और इसको एक्सेप्शनल केस करके लिख लेना बिकॉज बाकी सब में रीअरेंजमेंट होता है। और खास बात यह है कि ऊपर वाले में सेटजेफ मेजर है और नीचे वाले में हॉफमैन मेजर है, तो क्या आप दोनों का प्रोडक्ट लिख पाओगे? ये यहाँ पर सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना है तो इसको इट विल बी लाइक दिस, कोई तुमको चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है नीचे वाली रिएक्शन में और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है ऊपर वाली रिएक्शन। इसको आप ये नीचे वाला स्पेशली इसको एक्सेप्शनल केस करके लिख लो, इसको याद ही रखना पड़ेगा, है ना। इसको आप कॉपी करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहली बात तो डिहाइड्रेशन रीअरेंजमेंट वाला होता है, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होता है और सेटजेफ मेजर होता है। जब हम ये ऑक्साइड वाला केसेस लेते हैं, दो पॉपुलर ऑक्साइड्स हैं यहाँ पर, तो उसमें वेपर फेज में हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं और रीअरेंजमेंट हम मानकर चलते हैं नहीं हो रहा है। और TH2O लेते हैं तो उसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। व्हेन वी टेक Al2O3 तो उसमें वो जो है सेटजेफ प्रोडक्ट वाला मेजर प्रोडक्ट। इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया बेटा? वन मिनट सर। ओके। थैंक यू। देन
इसमें चाहिए तो ये वाला पार्ट भी आप मैकेनिज्म का लिख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है लाइक दिस, जैसा नॉर्मल होता था, लेकिन फिर इसमें क्या होता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल का आएगा एंड इट विल सब्स्टिट्यूट दिस H2O। तो आप देखोगे तो दो मॉलिक्यूल अब जुड़ते हुए दिखाई देंगे और बीच में ऑक्सीजन एक लगा होगा लाइक दिस, फिर ये H प्लस के फॉर्म में हटा दो बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट होल्ड प्लस। तो आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट ईथर बन गया। अब इसमें ये तुमको तो याद ही रखना पड़ेगा कि भाई ये प्रोसेस 140 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वो तो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इतना याद रखना है कि 170 पे एल्कीन बनेगा और 140 पे ईथर बनेगा प्राइमरी एल्कोहल से। ये मैकेनिज्म भी कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिहाइड्रोहलोजिनेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड का, उसमें E1 E2 जो है दोनों मैकेनिज्म्स को अच्छी तरह से करना है। उस वाले में E2 मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिहाइड्रोलिजिनेशन। दोज़ हैव कॉपीड दे कैन लीव।